हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस चुनाव में काफी हैरान करने वाले परिणाम भी आए। अब अलीराजपुर के नानपुर पंचायत को ही देख लीजिए। पहले यहां पूर्व सरपंच की दो पत्नियों ने पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया और सफलता भी हासिल की। एक पत्नी सरपंच बन गई, जबकि दूसरी पंच पूर्व सरपंच की तीसरी पत्नी भी है, जो शिक्षा विभाग में चपरासी है। अब पूर्व सरपंच को इस बात का दुख है कि अगर तीसरी पत्नी भी चुनाव में लड़ लेती तो वो भी जीत जाती, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उसे इस्तीफा देना पड़ता। सर, हम 2003 में से हम भारतीय जनता 2002 में दो भारतीय जनता पार्टी काम करा। हमने 2010 में मैं पंच बना, उसके बाद उप सरपंच बना, फिर 2015 में फिर सरपंच बना, फिर 2015 में सरपंच बना, उसके बाद फिर 2022 में महिला सीट होने के कारण मेरी मिसेज को खड़ा करा। वहाँ से भी अपन ने 323 वोट की लीड मारी है और मेरी मिसेज को एक वार्ड क्रमांक 14 से पार्षद का चुनाव लड़ा है, वो भी 260 वोट से आगे जीती है। और जनता हमको इस बार 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 हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका बीच सुख दुख में हम लग जाते हैं और उनका काम करते हैं, तो इसलिए वो हमने हमको वापस इस बार हमारा करा है। और अभी भी सुख दुख में सभी जो भी जरूरत पड़े उनके साथ हम जाते हैं और उनके साथ हम काम करते हैं। मेरा नाम समृत मौर्य है, ग्राम पंचायत नानपुर और जिला अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। और एक सक्रिय समृत मौर्य को मैंने सरपंच बनाया हूँ, मेला को मैंने पंच बनाया हूँ, एक मेरी मिसेज शिक्षा विभाग में काम करती उसको चपड़ासी है वो, और हम सभी मिलके सब साथ में रह रहे हैं। आपको बता दें कि अप्रैल में अलीराजपुर में समृत मौर्य की हुई शादी काफी सुर्खियों में थी। समृत मौर्य ने एक ही मंडप में तीन दुल्हनों के साथ सात फेरे लिए थे। बताया जाता है कि भिलाला जैसी जनजातियों के बीच बहुविवाह की मनाही नहीं है और समृत भिलाला जनजाति से संबंधित है। इस जनजाति की शादियां हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा शासित नहीं है। समृत मौर्य 15 साल से रिलेशन में है, लेकिन परिवार की स्थिति बेहतर ना होने की वजह से वो शादी नहीं कर पाए। लेकिन अप्रैल में उन्होंने तीन लड़कियों के साथ सात फेरे लिए। अलीराजपुर से चंद्रभान सिंह भदौरिया की रिपोर्ट, एमपी तक।